बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित है। आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, श्रीमान राजन तिवारी जी, आदित्य जी और हमारे मीडिया के को कन्वीनर और आंगनबाड़ी की हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के बेटा कहते हैं वो दिल्ली वालों का बेटा अपने आप को कहते हैं, और चुनाव से पहले पंजाब में उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को प्रति माह भत्ता देने की बात कही थी, और दिल्ली में अपने ही राज्य में जहां उनकी 7 वर्षों से सरकार है, वो एक आंगनवाड़ी हमारी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं जो दिल्ली में लगभग 22,000 की संख्या में आंगनवाड़ी काम करते हैं, आंगनवाड़ी और उनके हेल्पर 11,000 आंगनवाड़ी और 11,000 उनके सहायक, ऐसे 22,000 जो काम क्या करते हैं। आप ये सोचिए, आज दिल्ली के अंदर कोई महिला गर्भवती होती है तो जितना एंटीनेटल उनको टीकाकरण है, उनके स्वास्थ्य की जांच है, उनको विटामिन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य की जांच से लेकर आज दिल्ली उनके ऊपर डिपेंडेंस है। उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ऐसी बहनों के प्रति अन्याय और शोषण का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। अच्छा, अन्याय शोषण भी कर रहे हो आप, और जब कोई लोकतांत्रिक तरीके से उसकी आवाज उठा रहा है तो आवाज उठाने वालों को आवाज कैसे दबाई जाए, कैसे कुचली जाए, ये इतिहास में ऐसे पहला उदाहरण दिल्ली में मिला है कि जो कोरोना में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, कोरोना में जिन्होंने जाने अपनी जानें गंवाई दूसरों की जानें बचाने के लिए, दिल्ली वालों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें गंवाई, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया है केजरीवाल साहब ने कि उनको नौकरी से निकाल दिया। और दोष क्या, वो अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो मोदी सरकार ने उनको बढ़ाकर भेजा है वो आप क्यों नहीं लागू करते, वो ये मांग कर रहे थे कि हमें मानदेय नहीं चाहिए सैलरी चाहिए, वो ये कह रहे थे कि जो 2017 में मोदी जी ने बढ़ा के दिया है वो आपने क्यों नहीं बढ़ाया। फिर एक बात और है कि आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो स्वास्थ्य जांच करते हैं, वो शिशु की स्वास्थ्य जांच करते हैं, मातृत्व की स्वास्थ्य जांच करते हैं, और इनकी बजाय उनको तमाम ऐसे काम, फटीक काम दिए जाते हैं। अब मजबूरी में तुम ऐसे लोगों को जो आंगनवाड़ी स्वास्थ्य जांच करने के लिए नियुक्त हैं उनको आप दूसरे फटीक काम भी दे रहे हैं, वो काम भी मजबूरी में कर रही हैं वो। लेकिन ये तानाशाही दिल्ली सरकार की कि वो आप काम भी करा रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, मानदेय भी नहीं बढ़ा रहे हो, और जब वो मजबूर होकर किसी लोकतांत्रिक तरीके से वो बहनें धरने पर बैठी हों और फिर उनके खिलाफ आप एक्शन लो, और एक्शन ऐसा नहीं एक्शन उनकी नौकरी से टर्मिनेशन करना, उनको निकाल देना, ये सरासर मानवीयता मानवता के खिलाफ है, नौकरी के नियमों के खिलाफ है। लोकतंत्र में कोई भी कर्मचारी, कोई भी नागरिक अपनी बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो रख सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका त्याग क्या है। ये जो बहनें, इनमें से कई बहनों की कोरोना काल में डेथ हुई है,
जो आंगनवाड़ी में काम करते करते लोगों की सेवा करते करते डेथ हुई, लेकिन आज तक जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा केजरीवाल साहब ने अनाउंस किया था वो अभी तक नहीं दिया। दिया क्या? टर्मिनेशन लेटर दिया, उनका अवार्ड दिया है, उनको कोरोना काल में काम किया है उन्होंने, इन आंगनवाड़ी बहनों ने जो काम किया उसका पुरस्कार क्या दिया है? उसका पुरस्कार है टर्मिनेशन, उनका उसका पुरस्कार है उनको नौकरी से निकालना। जो इन्होंने लोगों की सेवा की, दिल्ली की महिलाओं और बच्चों की, उसका दिल्ली सरकार ने पुरस्कार दिया है कि इनके ऊपर FIR दर्ज करने कराने के फरमान जारी हुए। इसका पुरस्कार दिया है कि ये जो बहनें महिलाएं काम करती हैं वो अपनी रोजी रोटी स्वाभिमान के साथ जीने के लिए करती हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। क्या केजरीवाल सरकार चुनाव से पहले अगर ये काम वो करते, अगर हिम्मत होती तो पंजाब चुनाव से पहले करते? अगर हिम्मत होती तो वो ये पंजाब चुनाव से पहले करके दिखाते? लेकिन अब चुनाव निकल गया, अब वो 5 साल के लिए वहां बन गए हैं, तो यहां उन्होंने ये जुल्म और कायराना कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खास तौर से आंगनबाड़ी बहनों और महिलाओं और आशा वर्कर को भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ खड़ी है, और जब तक आपका टर्मिनेशन वापसी नहीं होगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और जो लोग बीच में आकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें आ गई है, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है और आप ये पॉलिटिक्स में नहीं आई है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे भी लड़ेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, और जो अन्याय, जो भेदभाव, जो शोषण और जो कायराना कार्रवाई केजरीवाल सरकार ने की है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी के साथ साथ अभी 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा के बाहर हम 10,000 से ज्यादा संख्या का एक प्रचंड प्रदर्शन करने वाले हैं, वो आंगनवाड़ी की समस्या को लेकर हो, आशा वर्कर की मांगों को लेकर हो, दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं, DTC हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इन सब मूलभूत समस्याओं को लेकर। जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, प्रवक्ता श्री झा जी, सभी मीडिया के सम्मानित भाइयों और बहनों, 23 तारीख को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के निवास के बाहर और विधानसभा के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है। और इस प्रदर्शन में दिल्ली विधानसभा में भाजपा के 8 विधायक हैं, सभी 8 के 8 विधायक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। मैं आज 2-3 बातें कहना चाहता हूं, जो कुछ अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को 9600 रुपये दिल्ली सरकार की ओर से वेतन दिया जाता है, और जो हेल्पर्स हैं उनकी सैलरी तो लगभग 4800 रुपया है। इसी तरह से जो गेस्ट टीचर्स हैं
उनको भी नियमित करने की बात कही गई थी और उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी करने की बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है उनके द्वारा आज से 3 या 3.5 महीने पहले घोषणा की गई थी। इसी तरह से वोकेशनल टीचर्स हैं उनको 16,000 रुपये हर महीने दिल्ली सरकार की ओर से वेतन दिया जाता है। जो अगल बगल के राज्य हैं चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे हरियाणा है चाहे राजस्थान है वहाँ 32,000 रुपये दिया जाता है और जो आशा वर्कर्स हैं उनको केवल 4,000 रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली में स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका न्यूनतम वेतन 19,443 रुपया तय किया हुआ है। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हों चाहे हेल्पर्स हों चाहे जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही है और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो लगभग 991 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपया उनकी सरकार को जरूर देना चाहिए और जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बाहर कर दिया गया है उनको वापस देनी चाहिए। यह मैं भाजपा विधायक दल की ओर से जरूर मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखिए दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे जो है दिल्ली सरकार के जिम्मे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बिजली विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का आतंक है। कोई भी नया कनेक्शन लेने जाओ तो जनता को पैसे देने पड़ते हैं। उनको कह दिया जाता है कि कनेक्शन नहीं मिलेगा, जब पैसे दे दो तो कनेक्शन मिल जाता है। उसी तरह से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, गैस टीचर का की समस्या है।